हेल्दी मूंग एंड मसूर दाल। गाइस आई वांट टू शेयर दिस रेसिपी विद यू ऑल। ये मेरी फैमिली का बहुत ही फेवरेट दाल है एंड इवन आई एंजॉय दिस। आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे एंड इफ़ यू ट्राई दिस दाल प्लीज़ प्लीज़ लेट मी नो कमेंट बिलो। आप मुझे बताइए कि आपको ये दाल, ये जो रेसिपी है, ये कैसी लगी। और आइए तो फिर शुरू करते हैं आज दाल बनाने की रेसिपी। फैमिली लव्स इट। सो दिस इज मूंग एंड मूंग दाल, मसूर दाल मिक्सचर। आई हैव ऑलरेडी बॉइल दिस। ये मैंने बॉइल कर लिया है प्रेशर कुकर में। देन यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी सॉल्ट, टर्मरिक एंड सम राई जीरा मिक्सचर एंड देन टमाटो। दिस इज़ मीडियम साइज टमाटो प्यूरी। राइट नाउ मेरे पास यही अवेलेबल है। एंड यहाँ पर है ग्रीन चिलीज, वन स्मॉल ऑनियन, सम करी लीफ एंड हींग एंड वन कप वाटर। तो पानी जो है वो आप अपने थिकनेस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। दिस इज जस्ट अ सिंपल नॉर्मल दाल जो मैं हमेशा रेगुलरली अपने घर में बनाती हूँ एंड विच आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू। सो जब पैन गर्म हो जाए तो इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल यूज़ करूँगी और इसमें जो राई जीरा का मिक्सचर था ये ऐड कर दीजिए। इसके साथ ही मैं जो ग्रीन चिली है वो ऐड कर दूँगी एंड करी लीफ जो है ये। अब ये जो ऑनियन है ये यूज कर दूंगी। मैंने यहाँ पे बहुत ही कम ऑयल यूज किया है बट ऐसा है कि मेरे घर में जो है वो हम सभी बहुत कम ऑयल खाते हैं विच इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। बट बीइंग एन इंडियन यू नो हम कैसे ऑयल यूज़ करते हैं हमारे खाने में। एंड जब से मैं मॉरिशस आई हूँ आफ्टर मैरिज तो बहुत चेंज हो गया है मेरा भी खाना पकाने का जो तरीका है। तो अब मैं भी बहुत सब्जियों में और दाल में मैं बहुत कम ऑयल यूज़ करती हूँ। तो अब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए ऑनियन, इसमें हम मसाले एंड टमाटोज यूज़ करेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा हींग ऐड कर रही हूँ। ऑनियन जो है वो हल्का फ्राई हो गया है तो इसमें मैं टर्मरिक एंड सम सॉल्ट ऐड करूँगी विद जो टमाटो हमने लिया था। अगर आपको मिक्स दाल पसंद है तो आप ज़रूर ये दाल ट्राई करिए बिकॉज ये बहुत टेस्टी और यमी बनता है। आज तो मैंने बस यही सोचा है कि ये दाल आज मैं अपनी फैमिली को बनाऊंगी। मेरे पास बच्चे हैं, दिन में हम यही पकाएंगे, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। आप प्लीज़ प्लीज़ इसे ट्राई करिए और जब भी आप ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये दाल कैसा लगा, ये रेसिपी कैसी लगी है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपके पास कोई इससे अच्छी टेक्निक है ये दाल पकाने की, जो मिक्स दाल होते हैं रेसिपीज़ है, अगर इसमें कुछ ऐड करने से और बेटर यमी बन सकता है तो वो भी आप मेरे साथ शेयर करिए प्लीज़। जब तक ये टमाटो पकता है इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी ताकि जो टमाटो है ये अच्छे से पक जाए। जस्ट वन स्पून। अब आप देख सकते हैं ये जो टमाटो है ये पूरी तरह से पक गया है। अब इसमें मैं ये जो बॉइल्ड दाल है ये इसमें ऐड कर दूंगी।
अगर आपको ये दाल रोटी के साथ खानी है तो फिर आप इसे थोड़ा सा थीक रखें, क्योंकि रोटी के साथ दाल थोड़ी थीक जाती है। और अगर आप इसे राइस के साथ खाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी राइस पकाया है हमारे लंच के लिए, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ये थोड़ा सा थिन हो जाए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग इसमें क्यूमिन पाउडर एंड कोरिएंडर पाउडर भी यूज़ करते हैं, अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत मसाला नहीं यूज़ करना चाहती थी, इसीलिए मैंने सिर्फ ये सिंपल दाल बनाई है। अब इसे आप कोरिएंडर लीफ के साथ गार्निश कर सकते हैं। हाँ, तो मैंने इसमें अभी कोरिएंडर लीफ जो है वो ऐड कर दिया है, आप देख सकते हो। और आपने देखा होगा कि मैंने इसमें बहुत ही कम सॉल्ट ऐड किया है, क्योंकि मेरी फैमिली जो है ये बहुत कम सॉल्ट खाती है फूड में, लिटिल बिट हेल्दियर साइड। तो गाइस, ये है हमारा आज का लंच। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी है, एंड प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और मुझे बताइए कि इसमें और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है जिससे ये दाल और भी टेस्टी बने। टिल देन, बाय बाय।